नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ऐसे कर्मचारी जिनका रुका हुआ है पेंशन, वो ना हो परेशान, बस करें ये काम, एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पेंशन के लिए बहुत जरूरी खबर है ये, उन कर्मचारियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको रेलवे की ओर से पेंशन मिलता है। इनमें से भी वो हाल में ही अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनका पेंशन उनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पा रहा। ऐसे कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेलवे बोर्ड ने उनके लिए खास व्यवस्था की है। रेलवे प्रशासन से संबंधित विभाग को तत्काल इस समस्या को सुलझाने और ऐसे लोगों के खाते में पैसे भेजने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही रेल प्रशासन ने अपने मातहत अधिकारियों को पेंशन की प्रक्रिया को तत्काल सरमाने के भी निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन हाल में रिटायर हुए ऐसे कर्मचारियों का पेंशन उनके खाते में नहीं आ रहा, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। बताया जा रहा है कि कई पूर्व कर्मचारियों की जानकारी अधूरी, इसी वजह से हाल में रिटायर हुए कुछ कर्मचारियों की पहली पेंशन उनके खाते में जमा नहीं हो पाई है। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड ने बैंक के सेंट्रल पेंशन विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे पूर्व कर्मचारियों से नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकर और तत्काल उनके खाते में पेंशन की राशि डाल दे जिससे उन्हें परेशानी न हो। बताया जा रहा है कि बैंक को PPOS के आधार पर अधूरे LOU मिले थे, साथ ही रेलवे बोर्ड ने जो फॉर्मेट तय किया था वो उनके मेल नहीं खाते। बताया जा रहा है कि रेलवे अब एक नया फॉर्मेट बनाने जा रहा है जिससे पेंशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों से नए फॉर्मेट वाले फॉर्म भरवाए जाएंगे। साथ ही रेलवे ने यह कहा है कि जिन लोगों को 30 जून 2021 से पहले प्रमोशन मिल गया है उन्हें 1 जनवरी 2022 से एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर प्रमोशन में देर होगी तो इंक्रीमेंट का बेनिफिट भी टाइम पर नहीं मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।